दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर आपको दुनिया में सबसे पावरफुल देश बनना है तो आपको अपना प्राइवेट सेक्टर मजबूत करना होगा। आज के समय में अगर आप दुनिया के सबसे पावरफुल देशों को देखोगे तो उनका प्राइवेट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अगर आप अमेरिका जैसे देशों को ही ले लीजिए तो अमेरिका जैसे देशों में जो एडवांस और नेक्स्ट लेवल के हथियार हैं उन्हें अमेरिका की प्राइवेट कंपनियां ही बनाती हैं। अब ऐसे में दोस्तों भारत भी पिछले कुछ सालों से प्राइवेट सेक्टर को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। देश में स्वदेशी कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी अपने प्लांट को लगा रही हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर अगर देखा जाएगा तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में प्लांट लगा चुकी हैं और बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में प्लांट लगाना चाहती हैं। अब ऐसे में आप लोगों को मैं बता दूं, आगे आने वाले समय में अगर राफेल जैसे विमान भारत में बनने लगे तो इसमें बिल्कुल सरप्राइज होने की बात नहीं है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहा था कि राफेल को अब भारत में ही बनाया जाएगा। राफेल बनाने वाली कंपनी रेसॉल्ट और रिलायंस एक दूसरे के साथ मिलकर नागपुर में ही राफेल विमान को बनाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ भारत की एक और प्राइवेट कंपनी काफी तेजी से बाहर निकल के आ रही है और वाकई में भारत की ये प्राइवेट कंपनी पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली है। अभी तक एशिया महाद्वीप में ऐसा कारनामा किसी भी देश ने नहीं किया, भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जो कि ऐसा कारनामा करेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाटा डिफेंस को लेके। टाटा डिफेंस को भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। 20,000 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट टाटा डिफेंस के कंधे पर दे दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, टाटा डिफेंस एक बेहद ही एडवांस विमान को बनाने जा रही है और वाकई में एशिया महाद्वीप में अभी ऐसा विमान किसी भी देश ने नहीं बनाया है। इस विमान में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है कि यकीन मानिए अमेरिका जैसे देशों के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। दोस्तों ये जो विमान बनाया जा रहा है, इस विमान का नाम है C-295 ट्रांसपोर्टर विमान। जी हाँ दोस्तों, टाटा डिफेंस C-295 ट्रांसपोर्टर विमान को अब यूरोप की एक कंपनी है एयरबस, उसके साथ मिलकर भारत में ही बनाने जा रही है। देखिए दोस्तों, 56 C-295 ट्रांसपोर्टर विमान को भारत ने खरीदा है। अब ऐसे में दोस्तों लगभग 16 विमान स्पेन में बनाकर तैयार किए जाएंगे, स्पेन से भारत आएंगे और 40 विमान भारत के गुजरात में ही बनाए जाएंगे। दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि स्पेन में बनने वाले 16 विमानों में से एक विमान भारत को मिल चुका है और आगे आने वाले 3 साल के अंदर भारत लगभग 40 विमान भारत में ही बनाकर तैयार करेगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है टाटा डिफेंस की तरफ से उठाए गए इस कदम को लेके और भारत सरकार क्या प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर सही कर रही है या फिर नहीं, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बस दोस्तों चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।